गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून मैम। मैम ऑन एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ डाउट। यस सक्षम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैम ऑन पेज नंबर 7 मैम, देयर इज अ हिस्ट्री ज्योग्राफी। मैम हिस्ट्री, लेट मी गेट द बुक। वेट अ सेकंड। यस, पेज 7 मैम, पेज 7 देयर इज अ सोर्स गिवन। मैम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द सोर्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे, बेटा ये मत पढ़ो, ये जरूरत नहीं है इस सोर्स की। मैम ये सोर्स कमिंग एग्जाम, सोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे। मैम व्हाट, दिस सोर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर सिंपली टेलिंग यू अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल ऑफ अ पर्सन who lived in the old regime. That person has shared his experience over here. Okay, ma'am. Yes. Beta, ठीक है, आप लोगों को डाउट है रिगार्डिंग दी टेस्ट नो, तो हम पहले आपको बता देते हैं वट एवर योर क्वरीज आर, एंड देन लेट मी नो इफ नथिंग, इफ समथिंग इज लेफ्ट राइट। मैम यू सेड इंपॉर्टेंट वंस विल कम मैम, लाइक ये मैम, लाइक दिस मैम, यू सेड द इंपॉर्टेंट विल कम लाइक ऑन पेज नंबर 8। लिसन सक्षम, ऑन पेज नंबर 8 यू हैव सम इंपॉर्टेंट डेट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट, यू मे गेट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर आल्सो राइट। ओके मैम। देन ऑल द न्यू वर्ड्स दैट यू हैव इन द चैप्टर फॉर हिस्ट्री फॉर ज्योग्राफी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग योर वेल। गुड आफ्टरनून। यूटीज आर गोइंग फाइन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके दैट्स रियली वेरी गुड। ओके व्हाट आई एम टेलिंग यू इज फाइन। सक्षम पहले हम आप ही का डाउट दूर करते हैं। मेनी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग अ क्वेरी कि भाई सोर्सेज जो है किसमें से क्या चीज आ सकती है, कौन सी चीज हमें पढ़नी है, कौन सी चीज हमें छोड़नी है राइट। यस मैम। आई एम टेलिंग यू, यू ऑल हैव द हिस्ट्री बुक्स विद यू। यस मैम। चलिए आई एम ऑल्सो हैविंग इट फ्रॉम पेज। गुड आफ्टरनून बच्चे पौरुष। बट प्लीज वेट फॉर अ मिनट। हाँ आई एम वेटिंग, यू टेल मी व्हेन टू स्टार्ट। मैम फॉर 15 पेज 3 यू ओपन ऑफ योर बुक मैम। ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री बेटा। मैम व्हिच पेज नंबर। पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक राइट। 3 there is no extra information, only the chapter part is there that of course you will read. Then page 4, the society of estates that you have, it is important, you need to read this. Then new words are given on the same page. Ma'am, please can you tell from the start? It is the starting only darling, page 4. Urvi, page 4 I am telling from. Okay, society of estates. Okay ma'am. Then the new words that are given, then again on page number 5 you have new words. Yes ma'am. Right, then page 6 the course of a subsistence crisis, this is an activity, it has the वर्ड्स ओवर हियर, यू नीड टू फिल दिस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है ठीक है। ओके मैम। देन कम टू पेज 7, नथिंग इज देयर एक्सेप्ट फॉर द चैप्टर पार्ट। देन पेज 8 सम इम्पोर्टेंट डेट्स आर गिवन इन द ग्रीन बॉक्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। देन पेज 9 यू हैव न्यू वर्ड्स एंड यू हैव अ मैप, द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर। ओनली 4 प्लेसेस, only 4 places from this map I have given you to mark,
as per the CBSE syllabus. So these four places you need to practice. You may get a map also. Okay, then, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, bacha. Ma'am, which four places? Khyati, ma'am, where do we? Khyati, do you know which four places I am talking about in the map? No, ma'am. Anybody in the class? Ma'am, can I tell? Ma'am, I am Paris, Marseilles, Nantes, and Bordeaux. Marseilles, Nantes, and ma'am, Marseilles, Bordeaux. Yes. Yes, Marseilles, Bordeaux, Nantes, ma'am, Paris. Paris. And Paris. Only these four, right? Yes, ma'am. Yes. Right. Ma'am, then, where we will find this map? Marseilles, Bordeaux, Nantes, and this. Beta, Marseilles, Bordeaux, Nantes, and Paris. These four. Okay. No, ma'am. Ma'am, I'm saying that if it will come to mark, then like I'm not having this kind of map. Don't worry. We can get a printout. See, when I am giving you this map in exam, I will be providing you the map also. Right? Okay, ma'am. Ma'am, but ma'am, we have to, we will do editing on that map. Beta, I will tell you. Don't worry. Don't worry. Ma'am, can we do this? Ma'am, apne printer se hi ek print nikal le. Oh, bilkul. Jinke paas print, beta, sabke paas printer nahi hoga na, bachche, problem ye hai. Wo aap pareshan mat ho, bas aap map work kar lijiyega, theek hai? Kaise aayega? That is up to you. You can get it. Ma'am, matlab ma'am, dekho, dono tarike se aa sakta hai. Listen, listen to me first. Both the ways it can come, either to mark or to tell, identify only the place. केवल प्लेस लोकेट करने के लिए भी आ सकता है. हो सकता है ये मैप आपको दे दिया जाए, उसमें से आपको 1, 2, 3 लिख दिया जाए और बता पूछा जाए आइडेंटिफाई द प्लेसेस शोइंग 1, 2, 3. एम आई क्लियर? बेटा उत्कर्ष, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बच्चे. बेटा, फोर प्लेसेस आर देयर, यू हैव डन इन द फ्रांस मैप व्हेन वी डिड दिस चैप्टर. यू हैव योर मैप स्किल आल्सो, इन द मैप स्किल आल्सो यू हैव अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर द सेम मैप, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ दैट मैप यू प्रैक्टिस इट. गॉट माय पॉइंट? एंड ऑन व्हिच मैप डू वी हैव टू प्रैक्टिस? फ्रांस का मैप इज गिवन इन द मैप स्किल बुक बेटा, इन द हिस्ट्री पार्ट दैट यू हैव इन द मैप स्किल. ठीक है बेटा. एक्सक्यूज मी मैम. जी बच्चा. मैम, कैन यू रिपीट फोर पॉइंट्स? वेट, आई एम राइटिंग इट ऑन द स्क्रीन एंड कॉपी डाउन फ्रॉम देयर. ओके. ठीक है मैम. सो ओनली दोस प्लेसेस विल कम नाउ दैट यू हैव मार्क्ड दिस. यस, ओनली दीस मेड अस मार्क. यस, ओनली दीस फोर प्लेसेस. Because as per the curriculum that is provided by the CBSE, these are only to be right? Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Boliye Harshit. Ma'am, if this map will come in our test, ma'am, then how we will do it, ma'am? France ka map to hai nahi hamare paas. Aap bilkul pareshan na hoiye, aapko sab kuch diya jayega. Theek hai? मैम, बट हाउ वी विल गेट? मैम, वी आर नॉट इन स्कूल. अरे भाई, अभी लिखो पहले. ओके मैम. मैम, इट विल बी वर्सलीज. वर्सलीज नहीं है बेटा, मार्सलीज है. ओके मैम.
ठीक है? यस मैम. सी यू मे गेट इट टू मार्क और टू आइडेंटिफाई. आई नो दैट यू पीपल आर नॉट फिजिकली गिविंग कमिंग टू द स्कूल टू गिव दिस एग्जाम, सो आई हैव मेड दीज मैप इन सच अ वे दैट यू विल नॉट बी रिक्वायरिंग एनीथिंग. एवरीथिंग विल बी गिवन इन द टेस्ट पेपर इटसेल्फ. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. So the screen is there on your whatever you know app you are using for. I am not shifting it. So all those who want to note down the names of the places, they can note it down. Okay. I'm only these places will come. हाँ जी बेटा, only these four places are there as per CBSE curriculum, important ones. Okay. Now, can you tell mommy were telling about अब आप आ जाओ पेज नंबर 9 पे. आपका मैप हो गया. देन यू हैव न्यू वर्ड्स अगेन ऑन पेज नंबर 9, दे आर इम्पोर्टेंट. पेज नंबर 10 यू हैव फिगर 7, द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. You may get it as it is, and some written part is erased. You may get to complete this, right? Yes, okay, ma'am. Then come to page 11. Nothing is there. No sources to be done. Ma'am, which part we will get erased? Ma'am, on page number 11, what will come? Nothing from page 11. And ma'am, page 11, ma'am, page 10, sorry. Page 10, figure 7. Okay? Ma'am, I have doubt in this figure, ma'am. Page 10? Yes, ma'am. Ma'am, there is one word given, veto. Ma'am, what does this mean? Achha, batao, ma'am, power to say no. Yes, veto means and the power to say no. No, veto power है ना China, जो जब हमारे permanent members of UNO है उनके पास veto power है ना to say yes, no. तो veto का मतलब yes power to say no. Okay? I'm to dismiss. Okay ma'am. Dismiss नहीं, हाँ मतलब dismiss कर लो, कह लो या बना कर दो किसी चीज को, बात एक ही है. Ma'am refuse. Excuse me ma'am. Yes Harshit. Ma'am, India can get veto power, ma'am, but China is ma'am, China नहीं चाहता ना ma'am. China does not want. That is why China every time gives no, says no for the same. Okay? चलो. Page number 12 and 13. You have political symbols. Yes, ma'am. They are important. Right? Then page 14, nothing is there. Page 15, nothing is there. Page 16, you have what is liberty? Two conflicting views. Source D. Yes, ma'am. Can come. Okay? Then new words you have. New words for wherever you have the new words, they are important. You have to do them. Okay? Then come to page number 19. Source E can come. Then page number 20, nothing. Page number 21, only the new words that you have. Page 22, only the content part that you have for the chapter. 23, only the content part that you have for the chapter. Then the chapter is over. I hope your doubts are clear now, everyone. Yes, ma'am. Can you tell me the format for the exam? Yes, ma'am. Beta, dekho, listen. We have a 40-minute class.
वन बाय वन वी आर गोइंग विद थिंग्स. ठीक है, अभी बिकॉज मेनी ऑफ यू हैड डाउट्स कि सोर्सेज में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. सो आई हैव क्लेरिफाइड दैट फॉर हिस्ट्री. एम आई क्लियर? यस मैम. यस मैम. यस मैम. कमिंग टू कंप्लीटली, यू हैव द बुक्स विद यू मैम? वेट द मिनट. मैम प्लीज वेट. ओके. Yes, ma'am. Now you can speak. Yes, ma'am. Beta, in geography, wherever you have, do you know, you need to read. That is important. Am I clear? Yes, ma'am. Then? Yes, ma'am. Find out part. We have... Ma'am, excuse me, ma'am. Deep Arush. Ma'am, on the page number 5th, ma'am, do we have to learn the do you know of that page also? History ki baat kar rahe ho, geography ki? Ma'am, geography, do you know page number 5? Have I come to that page, you tell me. Wait, patience. Patience is the key to success, okay? Aram aram se suno. Page number, page 1. Ma'am, hard work. Huh? Ma'am, hard work is the key. Patience is the key. But patience is also the key. Also key to success, you know? Yes, ma'am. Ma'am, because a lock can have many keys. Exactly. Yes, ma'am. A lock can have many keys. You are right, Purvi. Ma'am, a key is one, but copies can be unlimited. Ma'am, but we get 3 keys with the lock. Then of course only one has to be, one will be there and remaining of the 2 you have to find out which one to put, which not to put, okay? Chalo, page 1, do you know, is important. Then page 2, find out plus do you know. Then page 3, sorry, this figure 1.2 is also important. On page 2, figure 1.2 is also important, right? Then page 3, the whole of the map is important. Excuse me, ma'am. Yes, beta Arushi. Figure 1.2, do we have to learn the areas in kilometers? No, areas you don't have to learn. You just have to learn the names of the countries plus the, percentage. Position. Like I may give you name the second largest country in size in world. Ma'am, name. you yeah. Fine. Got it? Ma'am, ma'am. Yes, percentage ma'am. Ma'am. Russia 17.09. But a percentage nahi. Only the position. Jaise India is the 7th largest country. So 7 largest. And ma'am, capital of any state can come na? Yes, capital of any state can come. Any state to mark can come in the map. Excuse me, ma'am. Anji Harshit. Ma'am, like ma'am, you can give any to write any capital of the state, ma'am. So you can also give the capital of any country to write. Nahi, beta, only state. Which is state? Abhi isme aapko keval India ka size and location hai. So India is important. Okay. Aur yahan pe jo position ka wala hum baat kar rahe hain, bache. In that, you need to know that Russia stands at what position, China stands at which position. So that way, you need to know all the 1 to 6 countries that have different position and size. Right? Ma'am, I have a doubt. Yes, ma'am. Yes, Utkarsh. Ma'am, which is the largest union territory in India? Beta, abhi hum kiski baat kar rahe hain? Abhi aap ruko. Jis page ke baare mein hum baat kar rahe hain, us page pe aap raho. Abhi sari mat poochho, theek hai? Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Hanji Parush. Ma'am, can you please tell the answer of the find out second of page number 2 only? Abhi bata dete hain. Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? Ye humne kara hua hai beta, iska answer. Anybody in the class who would like to tell this answer?
Still, I will tell you, don't worry. Because the latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from north to south to north. As a person moves from south to north. Ma'am, I think Could you please repeat again? I think we did it in the class. The difference in that, now listen carefully, Porush. The difference in the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari, but not so in Kashmir due to their latitudinal locational. Kanyakumari is located closer to the equator and experiences a maximum difference of 45 minutes between day and night. However, Kashmir lies further away from the equator and experiences a significant gap between the duration of day and night that can extend it to as much as 3 to 5 hours. Right? If you write due to the latitudinal locations that Kanyakumari is closer to equator and Kashmir is away from equator, itna bhi aapka answer sufficient hoga. Am I clear? Yes, ma'am. Fine. चलिए अब आप आ जाइए. कश्मीर इज नियर टू इक्वेटर और फार फ्रॉम इक्वेटर? फार फ्रॉम इक्वेटर. इट इज फार. कन्याकुमारी इज क्लोजर. नो. ओके मैम. यस मैम. मैम इट इज बिकॉज़ ऑफ देयर लैटिट्यूडल एक्सटेंट. मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड इज कन्याकुमारी, राइट? यस. मैम इट वाज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ना, बिकॉज़ ऑफ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. And ma'am, Indira Point is of the Union. The southernmost of Indian Union. Southernmost tip of the Indian Union. ठीक है? Okay ma'am. चलिए अब आप आ जाओ page 3 के map में. ये जो आपका lines दिए हुए हैं, standard meridian हो, चाहे वो आपका topic of cancer हो, चाहे वो आपका latitudinal extent हो, चाहे वो आपका longitudinal extent हो, ये सारे important है. Because we have done this in the map, this map is important, okay? And ma'am, this will come. This may come. Like, this may come. No, ma'am. Ma'am, वो तो पता है कि 2933 3214. Ma'am, ये आएगा कि. Ma'am, ये आएगा कि line draw करो. आपको 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 latitudinal या longitudinal extent draw करने के लिए आ सकता है. और उनकी degrees mention करना आ सकता है. मतलब ये जो दो दो लाइनें ये आएंगी ड्रॉ करने को. हाँ ये आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है. मैम हाउ वी विल ड्रॉ? यू नीड टू प्रैक्टिस इट. यू नीड टू सी हाउ इट इज ड्रॉन ओवर हियर. व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. मैम ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, आपको एक्सट्रीम ईस्ट और एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट्स देखने हैं. ठीक है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Then just with the scale, we have to draw a straight line. Same thing will go for north and south. जो आपके एकदम extreme ends होंगे, उन्हीं को आपको मिलाना है. अगर आपने आगे पीछे करा तो उससे जो है kilometers में भी variation आ जाएगा बच्चा. ठीक है? Okay, ma'am. Ma'am, but in this, ma'am, I have a doubt. Yes, बेटा. जो? Ma'am, in this map, if you see the easternmost, ma'am, the easternmost. Longitude, ma'am, on which, ma'am, on the point where the, ma'am, where the this extent is given, ma'am, below that, ma'am, एक हल्का सा निकल रहा है, ma'am, वही, ma'am, वो तो eastern most होना चाहिए. नहीं बेटा, वो point उस जिस point पे line आपकी गई है, वो point आपका eastern most है, क्योंकि जो नीचे वाला portion है, अगर आप straight line draw करोगे, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो उसके बराबर नहीं आ रही, उससे कम आ रही है बच्चा. ठीक है? ओके. हाँ मैम. यस बेटा. मैम ऑन पेज नंबर 2 कैन यू प्लीज, मैम इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन ऑफ फर्स्ट फाइंड आउट इज मैम दैट बिकॉज दे इट इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. बेटा बिकॉज the longitudinal extent of India is 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east and this meridian passes through the center of India. जो हमारा standard meridian है, इन दोनों का जो center point है, उससे वो pass करता है 82 and a half degrees.
ठीक है मैम कैन दिस बी अ पॉइंट ऑफ दिस आंसर इट मेक्स द कैलकुलेशंस इजी हां इट मेक्स द कैलकुलेशन अगर आप इसको कैलकुलेशन के हिसाब से समझना चाहते हो तो कैलकुलेशन के हिसाब से आप ये समझ लो 7/1/2 82.5 डिग्रीज ईस्ट है तो उसमें क्या होता है कि भाई जो 2 आवर्स का डिफरेंस है आपका 30 डिग्रीज आ जाता है इसके अंदर पूरा का पूरा ओके मैम ठीक है मैम यस मैम कुड यू रिपीट व्हाट डिड यू से मैम एंड मैम बिकॉज़ ऑफ दैट देयर इज द लैग ऑफ 2 आवर्स हां ये जो 30 डिग्री का जो डिस्टेंस है बिटवीन द लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट उसकी वजह से 30 डिग्रीज लैटिट्यूड बीच में आते हैं गुजरात और अरुणाचल के तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो है इनके बीच का जो 30 डिग्री का लैटिट्यूड है उसका हाफ अगर आप लेते हो तो वो कितने पे आता है 7.5 वो 82.5 डिग्रीज पे आ रहा है ठीक है ओके चलिए अब आप आ जाओ पेज नंबर 4 पेज 4 में फाइंड आउट डू यू नो ठीक है देन यस पेज 5 फिगर 1.5 मैप स्टेट्स हैं सारे आपके नेबरिंग कंट्रीज दिए हुए हैं सारे यूटीज का लोकेशन दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर ठीक है हमने ऑलरेडी करा भी है क्लास में तो ये मैप इंपॉर्टेंट है इसका जो डू यू नो है इज नॉट इम्पॉर्टेंट ठीक है इसका डू यू नो नॉट टू बी डन गौरव सब क्लियर है बेटा हाँ जी बच्चे यस मैम मैम इसमें से मैम कोई भी स्टेट आ सकता है मार्क करने को इंडिया का कोई भी स्टेट मार्क करने के लिए आ सकता है कोई भी कैपिटल पूछी जा सकती है क्योंकि ये सेशन के बिगनिंग में हमने आपको बता दिया था कि आपको ये मैप बनाना है और इसको एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस भी करना है दो दो स्टेट्स दो दो कैपिटल्स ठीक है एक्सक्यूज मी मैम ओके मैम मैम ऑन पेज नंबर 4 देयर इज अ मैप गिवन फिगर 1.4 मैम डू दिस विल कम इन एग्जाम व्हिच वन फिगर 1. मैम 4 जब हमने पेज 4 करा तो उसके बारे में बताया आपको नहीं ना फिर क्यों आएगा वो वो नहीं आएगा बेटा वो केवल आपको ये समझाने के लिए किस तरीके से स्वेज कनाल बनने से जो ट्रेडिंग रूट था वो उसकी डिस्टेंस कम हो गया था ठीक है ओके मैम चलिए एक्सक्यूज मी मैम यस हर्षित मैम नो मैम वो नथिंग मैम कहो नो मैम मैम आई थॉट मैम अभी कुछ टाइम पहले एक शिप फंस गया था मैम वो शायद स्विस कैनाल में ही फंसा था मैम एवरग्रीन वाज अ शिप नेम यस मैम एवरग्रीन ओके तो कहां फंसा था वो मैम स्विस कैनाल में मेंबर इट वाज रिमूव मैम आफ्टर 3-4-5 मैम लाइक दिस डिड यस मैम चलो ठीक है मैम नियरली मैम 1 वीक लगा था मैम चलो चलो पहले ये समझ लो अब इतना क्लियर हो गया आप लोगों को चैप्टर में से क्या क्या करना है और सबसे इम्पोर्टेंट बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जानते हैं क्या है रीड द चैप्टर इन प्रॉपर डिटेल्स उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन पेपर आपका एक्सक्लूसिवली चैप्टर में से ही फ्रेम किया गया है ठीक है अगर आप चैप्टर के लिए में थॉरो नहीं होगे तो आपको चीजें पता भी नहीं चलेंगी द अदर डे आई गेव यू अ वर्कशीट अगर आपको ध्यान हो तो उस वर्कशीट में ऑल द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द चैप्टर रूम यस मैम ठीक है तो अब आप ये समझ लो कि आपकी जो आपका जो चैप्टर रीडिंग है वो किस तरीके का होना चाहिए सो दैट यू आर एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम द चैप्टर ठीक है बेटा द फॉर्मेट इज वेरी सिंपल यू हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप अब एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स आई एम कमिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव टाइप में यू मे गेट एमसीक्यू यू मे गेट फिलअप्स राइट यू मे गेट ट्रू फॉल्स यू मे गेट मैच द फॉलोइंग
And ma'am, we may get all. Then you may get one mark questions. Ma'am, you have combined the geography and history or separate? Beta, I have combined geography and history क्योंकि हम ही पढ़ा रहे हैं तो हमने उसको एक ही पार्ट बना दिया है ठीक है मैम टोटल ऑफ 20 मार्क्स यस टोटल ऑफ 20 मार्क्स ठीक है मैम वन वर्ड आंसर ओके मैम नो मैम नथिंग मैम देन सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ हाउ मेनी मार्क्स बेटा लिसन यू मे गिव वन वर्ड फॉर मैम दिस ऑब्जेक्टिव पोर्शन विल बी ऑफ हाउ मेनी मार्क्स बेटा वो तो अब ऐसे नहीं हम बताएंगे अब आप ये समझ लो कि ऑब्जेक्टिव में आपका इतना कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकता है ठीक है ओके मैम तो वेटेज विल बी सेम एज सब्जेक्टिव मैम मींस 50-50 समझ लो 40 मार्क्स का आपका पेपर है 10-10-10-10 ठीक यस मैम इसमें 3 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स मैंडेटरी है क्लियर ऑब्जेक्टिव में कितने बचे मैम टू हाँ जी बिल्कुल फॉर योर सेक्शन 4 फॉर माय सेक्शन बिकॉज इट इज अ कंबाइंड सेक्शन आई हैव गॉट 20 मार्क्स सो आई हैव सेग्रीगेटेड इट इन सच अ वे दैट आई हैव गिवन यू मैप ऑल्सो objective part also and subjective also okay ma'am excuse me ma'am yes beta ma'am pure paper mein ma'am 5 mark questions hone chahiye aur 3 mark hone chahiye ya ma'am har ek part mein 3 or 5 marks hona zaruri hai ma'am matlab do hi question aayenge aur do subjective aayenge do objective aayenge हाँ आपको 2 questions डिटेल्ड वाले आएंगे 3 और 5 के बाकी आपको ऑब्जेक्टिव आएगा अब वो हर टीचर ने अपने हिसाब से दिया होगा बेटा हमने क्योंकि मेरे पास मैप का पोर्शन था सो आई हैव गिवन यू मैप प्लस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ठीक है तो मैम जैसे कि मैम फिजिक्स का 10 मार्क्स का तो मैम उसमें 8 मार्क्स तो एक 5 का और एक 3 में ही चले गए बेटा अब वो देखो सर ने कैसे बनाया है आईडी है ना क्योंकि डिटेल वाला क्वेश्चन मैंडेटरी होता है एज पर बोर्ड अब आप लोग 9th क्लास में आ गए हो एनसीईआरटी सीबीएसई के करिकुलम को हमें फॉलो करना होता है तो जो भी उनके हिसाब से जो चीजें होती है हमें एग्जैक्टली वही करनी होती है ठीक है ओके मैम चलिए एनी अदर डाउट नो मैम बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये जो बच्चे अमूमन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जिसमें अगर मैप का क्वेश्चन आया है आई टोल्ड यू इट कैन कम 2 ways अगर मैप का क्वेश्चन आया है जिसमें लिखा गया है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने पास से इंडिया का मैप लेना है उसमें लोकेट करके उस मैप की फोटो खींच के आपको भेजनी है इतना क्लियर है yes. So ma'am, which map we have to need to fill in the exams? एक मिनट रुको. Look at the following. मैम outline वाला political लेना होता है ना मैम? हाँ जी. बेटा आपको political map ही लेना है क्योंकि boards में political map ही दिया जाता है. ठीक है? Okay ma'am. Ma'am, which map are essential that we need to have for the exam? बेटा इंडिया पॉलिटिकल मैप आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए ओके मैम फ्रांस वन फॉर हिस्ट्री नहीं फ्रांस का मत रखना फ्रांस का हम अपने तरीके से देखो बेटा आप लोग के पास मैप स्किल में सब कुछ है तो फ्रांस का भी अगर आप अपने पास एडवांस में रख लोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ठीक है ओके मैम दोनों के आप दो स्पेयर मैप्स रख लीजिएगा अगर एक खराब हो जाता है बाय द वे तो आप सेकंड वाला यूज कर सकते हो ठीक है एक क्वेश्चन अगर ये आता है कि मैप
based questions. इसका मतलब कैसे अब हाँ बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको मैप की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको ये बताना है कि ये क्या चीज है. ठीक है मैम, कौन सी जगह है? जैसे जैसे लार्जेस्ट स्टेट इन साइज कौन सी है? राजस्थान. तो इसके लिए आपको मैप नहीं चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट स्टेट इंडिया की कौन सी है इन साइज. एम आई क्लियर मैम? यस मैम. तो ये वन वर्ड की तरह नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल वन वर्ड की तरह हो गया, पर ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है. तो जिन 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 चीजों के हम मैप करे हैं, जिन जिन चीजों के मैप करे हैं उन पे बेस्ड ये आपका मैप आएगा. ठीक है मैम, तो जैसे क्वेश्चन मैप बेस में दिया है, मैं तो हमने आंसर लिख दिया लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, मैम तो इसे मार्क भी करना होगा अगर ये मैप बेस्ड नहीं दिया. वही मैंने बताया ना, देखो लोकेट द फॉलोइंग अगर आता है तो आपको मैप की यूज करनी है, अगर मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको केवल आंसर्स लिखने हैं, उसके लिए मैप की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके मैम. ओके, एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. यस मैम. इसमें प्लीज कोई कंफ्यूजन मत रखिए. रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन में आप क्वेश्चन आप हमें मैप बना के दोगे, आपके पूरे मार्क्स काट दूंगी मैं. ठीक. Okay, ma'am. Ma'am, ma'am, then we should have this political map of India, ma'am. By chance, if you give the locate, ma'am. You need to have a political map of India. Ma'am, but there is no need to have the France map. France map भी रखोगे? History में आएगा ना वो? Okay, ma'am. Ma'am, may I ask my doubt? Yes, yes, Vyom. Ask. Ma'am, like you said that. मैम 5 mark एंड 3 mark क्वेश्चन फ्रॉम ई सेक्शन, तो मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मैम यू आर मैप इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर सेक इन योर पार्ट, सो मैम 3 mark का क्वेश्चन मैप का ही क्वेश्चन ये बन सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है. और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम मैप का क्वेश्चन आपको हाफ हाफ मार्क्स के पास दे दें, 2.5 marks का केवल मैप दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना? यस मैम. और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा हो सकता है कि हम आपको हाफ हाफ मार्क्स के जो है 6 questions दे दें और 3 marks का ऑब्जेक्टिव दे दें, या 4 questions दे दें 2 marks के ऑब्जेक्टिव हाफ हाफ. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. ओके मैम. बोलो बेटा. मैम फ्रांस का मैप होना क्या जरूरी है, लाइक अगर आप मार्क करने को दें? बिल्कुल बिल्कुल मैम. तो फिर वो कहाँ मिलेगा बेटा? मैप्स के लिए देखो एक बात सुनो, आपके पास मैप्स के लिए जो आप जब आपने स्टेशनरी जब आपने बुक खरीदी होंगी तो उसमें मिला होगा आपको, उसमें फ्रांस का अलग मैप क्या होगा? मैम उसमें यस मैम आई एम हैविंग फ्रांस का मैप. गूगल से फ्रांस का मैप डाउनलोड करो, उसका प्रिंट निकलवा लो, वेरी सिंपल. यस मैम. दिस कैन बी डन. अगर किसी नेबर से ले ले तो मैम? हाँ बेटा, पर जरूरी थोड़ी इसके आसपास कोई हो 9th class का बच्चा, ये भी तो बात है. नो मैम, है मैम मेरे घर के पास में मैम नैना रहती हैं, तो उनसे मैं ले सकता हूँ. तो आप नैना दीदी से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो. मैम जो मार्किंग करनी होती है मैम, वो तो हम पेंसिल से ही करेंगे ना मैम? वो पेंसिल से करोगे? हाँ बेटा देखो एक आइडिया हम दे सकते हैं, जैसे अभी किसी ने बोला कि मैम हमें एडिट करना है, जिव्यांश ने शायद बोला था, तो आप वो एडिट वाला पार्ट भी कर सकते हो. उसमें आप ये कर सकते हो कि मैप का आपने वो इमेज लिया, उसको शेयरिंग वाले ऑप्शन पे डाला और जो है अपने पेपर पे लगा दिया, और हमको जब जब आप पीडीएफ भेजोगे उसमें शेयर कर दो और उसको मार्क करके भेज दो, वो भी इजी वे है. ठीक है. ओके मैम. चलो मैम, सो इन ऑर्डर टू गिव द एग्जाम वी हैव टू हैव मैप्स विद अस. यस, इट इज मैंडेटरी, राइट? ऑलराइट मैम. बेटा लेस देन 1 minute इज लेफ्ट, एनी टाइम द मीटिंग इज गोइंग टू एंड. ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, प्रिपेयर वेल. थैंक यू मैम. पैनिक एंड थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. Monday, I will do my revision. Have a nice Sunday.